नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला का बयान, सप्ताह के अंदर पार्टी को जारी होगा सिंबल। पार्टी सभी 10 लोकसभा सीटों पर लड़ने के लिए तैयार। एलनाबाद विधानसभा के 2 दिवसीय दौरे की आज गांव अरनियावाली से की शुरुआत। 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन करीब 1.5 दर्जन गाँव का कर रहे हैं दौरा। दिग्विजय चौटाला का दावा, इलाहाबाद से लोकसभा चुनाव में पार्टी को मिलेगा भारी समर्थन। नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला के इलाहाबाद से फिर से जीत दर्ज करने के दावे पर दिग्विजय की प्रतिक्रिया। जिन चुनाव में प्रदेश की जनता ने देखा इनेलो का हश्र, लोकदल व लठ दल में लोग समझ चुके हैं फर्क। सांसद दुष्यंत चौटाला ने लोकसभा में की है प्रदेश की जनता की आवाज बुलंद। गठबंधन के सवाल पर बोले दिग्विजय, गठबंधन की बात उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं, 3 सदस्यीय कमेटी लेगी फैसला। जेजेपी व्यवस्था परिवर्तन को लेकर लड़ रही है प्रदेश में लड़ाई। और इसी के साथ देखें पल पल की यह खास रिपोर्ट। आज इलाहाबाद हल्के के तकरीबन 1.5 दर्जन गांव के प्रोग्राम हैं और प्रत्येक गांव के अंदर जनसभाओं का आयोजन जो है वहाँ के गाँव वासियों ने और हल्का इकाई ने किया है। इलाहाबाद स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का कर्म क्षेत्र रहा और मेरे परिवार की तकरीबन 4 पीढ़ियां वहाँ से चुनाव लड़ चुकी हैं, वहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। इलाहाबाद से हमारा एक अलग जुड़ाव है और जननायक जनता पार्टी को लेकर, विशेष तौर पर दुष्यंत चौटाला जी की विनम्रता, उनके स्वभाव को लेकर के वहाँ के लोगों में जो अपनापन है और जो प्यार स्नेह वहाँ जा करके मिलता है वो अद्भुत है। मैं पहले भी सारे हल्के के गाँव का, तकरीबन सारे गाँव का हम दौरा करके आए थे और अब पुनः हम प्रयास करेंगे कि लोकसभा के चुनाव से पहले मैं सभी गांवों का दौरा फिर से कर पाऊँ। लोकसभा के चुनाव में इलाहाबाद से थंपिंग मेजोरिटी से हम जीत निकाल सकें, और ये तो तय है कि विधानसभा की जो सीट है वो इस बार जननायक जनता पार्टी वहां से जीतेगी और बड़ी मेजोरिटी से जीतेगी। नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया अभी कुछ 2 दिन पहले, दौरा किया 3 दिन पहले, पिछली बार से ज़्यादा वोटों से यहाँ से जीते इलाहाबाद। मैं किसी के दावे पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, वो उनका अपना दावा है, वो कुछ भी दावा कर सकते हैं। मगर जो लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे उनका हश्र आपने जींद के चुनाव में बाई इलेक्शन में देख लिया, 3454 वोट आए और जमानत भी 6 गुना जो है ना जब्त हुई, एक बार भी नहीं 6 बार जब्त हुई। तो ये तय है कि लोगों ने तय कर लिया है, मन बना लिया है। लोकदल और लठ दल में अंतर लोगों को अब साफ नज़र आता है। लोग विनम्र स्वभाव के लोगों को, उन लोगों को राजनीति में देखना चाहते हैं जो लोगों को गले लगाएं, धुतकारने वाले को, धमकाने वाले को, डराने वाले को, बंदूक और गोली की बात करने वाले को लोग कम पसंद करते हैं, बजाय कि जो काम की बात करता है उसे जो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, जो डिलीवरेंस करता है उसे ज़्यादा पसंद करते हैं। और मैं समझता हूँ कि 10 लोकसभा के सांसद हरियाणा में रहे, हमने कभी किसी और सांसद को बोलते हुए नहीं देखा। दुष्यंत जी ने जो पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई उसके बलबूते पर लोगों के मन में आज एक विश्वास, एक उम्मीद, एक उमंग है कि ये नौजवान अगर नेतृत्व करे इस प्रदेश का तो बहुत कुछ बदल सकता है। ये फैसला मैंने नहीं करना और ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। ये फैसला पार्टी की टॉप जो 3 मेंबरी कमेटी है उसने करना है। हम कार्यकर्ता हैं और ऑफिस बीरर भी हैं, जो हमें आदेश मिलेगा, हम हमारी ड्यूटी एक ही है कि हम बूथ लेवल पर हर गाँव, हर क्षेत्र में, हर वार्ड में, हर कॉलोनी में मजबूत हों और पूरे प्रदेश में हमारी तैयारी होनी चाहिए। परिस्थितियाँ राजनीति में, वो कहते हैं क्रिकेट की लास्ट बॉल पर, और राजनीति के अंदर आखिरी दिन क्या हो जाए, आखिरी वक्त, आखिरी पल क्या हो जाए, ये मैं और आप तय नहीं कर सकते, ये समय तय करेगा और जैसा समय तय करेगा पार्टी तय करेगी। हम सब लोग हम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज किसान की दुर्दशा जो है उसके विरोध में एक संघर्ष कर रहे हैं। आज नौजवान के लिए रोजगार नहीं है, उसके लिए उस व्यवस्था को परिवर्तित करना चाहते हैं, उसके रोजगार के अवसर खोलना चाहते हैं, महिला को सुरक्षा देना चाहते हैं, बड़े बुजुर्गों को सम्मान देना चाहते हैं, हरियाणा प्रदेश में सद्भाव कायम करना चाहते हैं, हम व्यापारी वर्ग को सुरक्षा का माहौल देना चाहते हैं। आज इंस्पेक्टरी राज का जो जंजाल है जिसमें व्यापारी वर्ग दुखी है उससे उसे निजात दिलाना चाहते हैं। हम 36 बिरादरी के लिए एक ऐसी अनुकूल परिस्थिति हरियाणा में कायम करना चाहते हैं कि हरियाणा आगे बढ़े, हरियाणा में सद्भाव कायम हो और चौमुखी विकास हो और सबका साथ। पार्टी में सिंबल की बात, सिंबल तो 1 हफ्ते में आ जाएगा, जब मेन होता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बाद अगर सिंबल ना भी हो तो भी एक सिंबल तो आपको मिलता ही मिलता है, यानी जो है ना ऑल्टरनेटिव, हाँ, जो आपको लोकसभा में मिलेगा। बट मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है इस हफ्ते के अंदर अंदर ही हमारा परमानेंट सिंबल भी
इलेक्शन कमीशन जो है वो अलॉट कर देगा, और उस सिंबल का आने के बाद भी एक नई उत्सुकता और एक नया चाव मैं मानता हूँ कि होता है, जैसा हमने जींद में देखा था। सिंबल आने के बाद बहुत कुछ राजनीति के अंदर बहुत मायने रखता है सिंबल, और सिंबल ऐसा होना चाहिए जो कॉमन हो, सिंबल ऐसा होना चाहिए जो हर व्यक्ति समझ पाए और मशीन पर देख पाए। और हमने जो 10 ऑप्शन दिए हैं वो 10 के 10 ऐसे ही दिए हैं जो आम जनमानस की जो है ना सर्व जो उनके जीवन से जुड़े हों, कहीं ना कहीं डेली यूज़ में आने वाले हों, और मैं मानता हूँ कि हमें अच्छा सिंबल मिलेगा, और जो सिंबल हमें मिलेगा उसके बलबूते पर हम आने वाले समय में सरकार बनाएंगे।